अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरियाणा में लगातार हड़तालों का सिलसिला जारी है। आए दिन हड़तालें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। हरियाणा में एक हड़ताल एक आम सी बात बन गया है। अपनी बातों को मनवाने का, अपनी मांगों को मनवाने का एक मुद्दा बना दिया गया है हड़ताल को। कभी किसानों की हड़ताल है, कभी NHM कर्मचारियों की हड़ताल है, कभी आशा वर्कर्स की हड़ताल हो, और भी अन्य मुद्दों पर हड़तालें कर दी जाती हैं। अगर हरियाणा में ही हड़तालें क्यों की जा रही हैं? क्या हरियाणा सरकार में कमी है या कर्मचारियों में कमी है? आइए हम बातचीत करते हैं जो पिछले 23 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं NHM कर्मचारी, उनसे जानते हैं क्या मुद्दा है इनका। हड़ताल है कि हरियाणा में ही क्यों हड़तालें की जा रही हैं? एक बड़ा मुद्दा है कि हरियाणा में ही क्यों लगातार हड़तालें जारी हैं? बताएंगे सर, हरियाणा में आए दिन हड़तालें देखने को मिल रही हैं, आपने भी हड़ताल कर रखी है, कहाँ कमी है? कमी मैडम सरकार में है, क्योंकि हमारी सब मांगे जायज हैं, क्योंकि हम और कोई ज्यादा मांगे बड़ी मांगे नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें सेवा सुरक्षा दी जाए, जो हर एम्प्लॉय का अपना अधिकार है, उसके साथ साथ पे कमीशन लागू किया जाए, और जितने भी हमारे धरना स्थलों पे जितने भी साथी बैठे हैं, कुछ हमारे अनशन पे भी बैठे हैं, और सरकार बिल्कुल सोई हुई है। हमें कोई ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ ज़्यादा दीजिए, सिर्फ हमें सेवा सुरक्षा और सेवन पे कमीशन हमारी को लागू किया जाए, और कुछ नहीं। और 23वां दिन हड़ताल का है, जो कि लगातार है, और स्टेट बॉडी के आश्वासन के बगैर, यानी कि जब तक सरकार उनको लिखित में नहीं देगी, हम अपनी मांगों पे डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेवार है। मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है कि हरियाणा में ही हड़तालें जो है लगातार जारी है, कभी आशा वर्कर्स की हड़ताल देखी जा रही है, कभी किसी की, क्या हरियाणा में सरकार में कमी आप मानते हैं या आप लोगों में कोई कमी होगी जहाँ हड़तालें कर दी जाती है लगातार? हरियाणा सरकार में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम 23वें दिन पे बैठे हैं, और हमारी एक ही मांग है कि हेल्थ मिनिस्टर या CM साहब हमें से एक बार मुलाकात, हमारे स्टेट बॉडी से मीटिंग करें, जो कि वो इतने सोई हुई सरकार है कि वो हमें टाइम ही नहीं दे रहे। ACS MD आगे पीछे, ACS MD के हाथ में कुछ नहीं है। हरियाणा सरकार निठल्ली और सोई हुई सरकार है। तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं हड़तालों के बीच में, और सरकार और कर्मचारी के बीच में आम जनता ही पिस रही है। मैडम, हम आम जनता को बिल्कुल हम ये नहीं चाहते कि कोई पिसे। हम तो बार बार हमारी स्टेट बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी, हम बार बार एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया करके हमें CM साहब हमें टाइम दीजिए, हमारे स्टेट बॉडी को, और जल्द से जल्द हमारी मांगों का निपटारा कीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जैसा कि मैडम आपने सवाल किया है कि बार बार हड़तालें, हम सरकार को पिछले 1.25 साल से लगातार नोटिस दे रहे हैं, जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा कीजिए। हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नहीं चाहते कि जनता किसी बात से परेशान हो हमारी वजह से, लेकिन ये सरकार ने खुद जनता को और कर्मचारी को परेशान कर रखा है। हम हड़ताल करके कुछ नहीं है, सरकार हमसे मजबूर हड़ताल करवाई है। हमने सरकार को कितनी बार चेताया है कि हमारी जो मांगे हैं आप उनको मान लीजिए, हमारी वजह से जनता परेशान ना हो, लेकिन सरकार जानबूझकर जनता को परेशान करवाती है, और कर्मचारियों को मांगे न मान के उस चीज को वो लेते हैं कि हड़ताल वापिस कर्मचारियों को ही ऊपर बदनाम करते हैं कि कर्मचारी जानबूझ के हड़ताल करते हैं। एक भी हड़ताल आप किसान के लिए लीजिए, आशा के लिए लीजिए, NHM की ले लीजिए, जैसा आपने कहा है, कोई भी वर्ग ले लीजिए, इन्होंने अगर बगैर किसी नोटिस के हड़ताल की है, तो हम इस बात का सरकार से सबूत मांगते हैं। हम लगातार 1.25 साल से सरकार को चेता रहे हैं, हमारी मांग है आप उनको पूरा कीजिए। सरकार क्यों नहीं बार बार, भी इतनी बार नोटिस देने के बाद भी नहीं जाग रही है? हम जनता को परेशानी, जनता को परेशान सरकार कर रही है,
और बार बार सरकार से जनता सवाल पूछने शुरू करे कि आप क्या चाहते हैं, आपने क्यों आम जनता को मारना शुरू कर रखा है, और इनकी कोई ऐसी नाजायज मांग हो तो इस चीज के लिए भी वो मानते हैं। हमारी जायज मांग है, छोटी सी मांग है, सरकार चाहकर भी हमारी मांगों को नहीं पूरी करती, वो जानबूझ के आम जनता को प्रेरित कर। आप देख रहे हैं आज के दिन पब्लिक तराई तराई है, हर मोड़ पे कितनी परेशान है। आप किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट, किसी भी जीएच में जाके देख लीजिए क्या हालत है, सीएचसी पे जाके देख लीजिए, बच्चों को नेशनल प्रोग्राम तक पोस्टपोन करने पड़ गए हैं। सरकार उनका जवाब क्यों नहीं दी पब्लिक को इस बात पे, कर्मचारी ने सरकार ने वो प्रोग्राम को खुद डिस्टर्ब किया है, न कि कर्मचारियों ने किया। कर्मचारी काम करने के लिए लगे हैं और हम दिन रात काम करते हैं, जैसे आते हम अगर सरकार हम एक काम करते हम दो काम करते हैं, और सरकार से हम एक डिमांड करते हैं वो गुंगी बहरी बन जाती है, सो जाती है। ऐसा क्यों है? पब्लिक सवाल हमसे नहीं सरकार से पूछे, सरकार इस बात का जवाब देगी। हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे, अपने हक के लिए बैठे हैं, हमारी मांगों को ध्यान में लाए और उनको पूरा करने की कोशिश करें, हम जल्दी अपने काम पर लौटने के लिए तैयार हैं। आप इस बारे में कि किसमें कहां कमी है, सरकार में कमी है या कर्मचारियों में कमी? देखो मैडम, सरकार में कमी है, क्योंकि हम बार बार नोटिस दे रहे थे। और एक बात बताओ, रेगुलर कर्मचारियों को 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू मिला, और हमें तो 2019 में साल लग गया, तब तक भी नहीं मिला हुआ। कितने दिन तक हम इंतजार करें? हम गरीब आदमियों को पीस रहे हैं ये, और अब भी बार बार ड्रावा बहकावा लगा रहे हैं। कभी तो ये कहते हैं कि NHM के कर्मचारी तो काम ही नहीं करते, अगर काम नहीं करते तो क्यों अपने प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर रहे हैं, कभी पोलियो को पोस्टपोन कर रहे हैं, कभी इंद्रधनुष को, और एक भी गांव में इम्यूनाइजेशन नहीं हो रहा, सारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी है। क्यों नहीं अपने रेगुलर एम्प्लॉई से काम करवा रही? ये सरकार तो दावा कर रही है मैंने बहुत सारे कर्मचारियों को नौकरी दे दी है, तो करवा लो भाई। एक आदमी तो 10,000 में इतना उसको चाकी में चून की तरह पीस दिया जा रहा है, एक आदमी 70-1 लाख लेके बड़े आराम से बैठ के जा रहा है। क्या हम इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या हमें भूख नहीं लगती? क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हम किसी की बहन बेटी नहीं है? हमें भी समाज के में रहने का वो तजुर्बा मिलना चाहिए जो एक रेगुलर एम्प्लॉइज को मिलता है, हमें भी वे सारे भत्ते मिलने चाहिए। एक NM से इतना काम करवाया जा रहा है, उसको 70,000 सैलरी दे के भी ANC के नाम के अलग से पेमेंट मिल रही है, इम्यूनाइजेशन के नाम की अलग से पेमेंट मिल रही है, जबकि एक NHM के कर्मचारी को 12,000 रुपए की सैलरी में ही वे सारे काम करवाए जा रहे हैं। क्यों? क्या वह रेगुलर वाले ज्यादा काम करते हैं? नहीं, कोई टीम आती है तो उन्हें छुट्टी पे भेज दिया जाता है और हमारे डंडा दे दिया जाता है कि आप आओ, नहीं तो बहन जी 31 मार्च आ गई, आपकी तो गर्दन पे तलवार रखी हुई है, हमारा जब जी चाहे तब फेंक लेंगे। तो बहन जी हम इतने कमजोर नहीं, हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि सरकार या तो हमारी बात मान ले, और अब तो इन्होंने एक ड्रावा और मिल गया कि वही हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध है। क्या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध 98 में नहीं हुआ था, जिस टाइम कारगिल की लड़ाई हुई थी हम तब भी लगे हुए थे, आज भी वही स्थिति है। लेकिन हम इस बात से कस से मच नहीं होंगे, अगर सरकार चाहती है ना कि ये धरना उठा ले तो खट्टर साहब हमें बुला के टाइम क्यों नहीं देते, हमारी मांगों को निमंत्र समाधान क्यों नहीं कर देते? खट्टर साहब को तो देश की चिंता है, चलो हमें तो पाकिस्तान का बता रहे हैं वे, क्योंकि NHM के तो गद्दार बता रहे हैं, तो खट्टर साहब हमें टाइम क्यों नहीं देता और बुलाए हमारे स्टेट बॉडी को, हमारे फैसलों का समाधान करे। हम अपनी अपने साथ मान सम्मान के साथ उठेंगे, हम इस तरीके से नहीं, हम उठेंगे नहीं। जय एकता, जय संगठन। मतलब इसका सारा दोष आप सरकार को ही मानते हैं? सारा दोष सरकार का है जी। एक बात बताओ जी, ये सरकार के MLA तो 5 साल में बैठकर ना इनकी तो आजीवन पेंशन बन जाती है, और एक हमारा आम कर्मचारी 20-20 साल से लगा हुआ है, इनको 10-12 हजार में टरका रही है। क्यों? इनके बाप की जागी रह गए, कुर्सी पे चौकड़ी मार के बैठे हैं। हम भी इन्हें आने वाले समय में दिखा देंगे कि क्या आपकी औकात है। जो ये हमें कह रहे हैं ना बार बार, कभी 24 घंटे का नोटिस दे रहे हैं, कभी 72 घंटे का दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये? अगर हटा दिए तो क्यों बार बार हमारे कर्मचारियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है, और वो हमारे कर्मचारियों को तोड़ के ये चाहती है कि मैं कामयाब होगी, लेकिन हम सरकार को अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम जो सरकार ने आपको दिया था, तो उसके बाद जो कितने कर्मचारियां धरने पर हैं और कितने काम पर लौट गए हैं? देखो जी, ये तो सदा से चलता आया, भाई बंधु में सरकार में भी, ज्यादा तो हमें राजनीति करनी आती नहीं, क्योंकि ये तो राजनेता लोग हैं, इनको दांव पेच सारे चलाने आते हैं कि हम क्या क्या दांव पेच फेंक सकते हैं। इन्होंने वो पासा फेंक के देख लिया, अब बारी हमारी, हमारे जो के जो डटे हुए हैं
क्या हुआ 10-5 गद्दार जो भाजपा सरकार के राजनीति के लोग बैठे होते हैं हमारी सरकार में भी हमारे कर्मचारियों में लगे हुए हैं, वही गए हैं और बाकी कोई कर्मचारी नहीं गया, हमारे सब के सब डटे हुए हैं। यहाँ एम्बुलेंस के कर्मचारी भी मौजूद हैं, हम एम्बुलेंस के कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। जैसा कि मेरा सवाल था, ये मुद्दा था कि कहीं सरकार में कमी है या कर्मचारियों में कमी है, तो यहाँ पर एम्बुलेंस के कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं जो एम्बुलेंस की सेवाएं ठप पड़ी हैं। अरे बातचीत करते हैं एम्बुलेंस कर्मचारियों से कि किस में कमी है, सरकार में कमी है या कर्मचारियों में कमी है। मेरा सवाल है आपसे कि सरकार में कहीं कमी है या कर्मचारियों में कमी है। मैडम सरकार में ही कमी है, कर्मचारियों में कोई कमी नहीं। कर्मचारी तो आज भी अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार है, अगर वो हमारी मांगे मान ले तो। एम्बुलेंस सेवा जब से खड़ी है कितने 23 दिन हो चुके हैं, वो कह रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन सारे यहाँ बैठे हमारी मांग मान क्यों लेती। सरकार खुद ही हमें मजबूर करती है दरी पर बैठाने के लिए। वो तो शुरू से भ्रष्ट हैं, सरकार भ्रष्ट है, उनके बच्चे पैदा पेट में से पैदा बच्चे होते हैं वो भी भ्रष्ट हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारी पब्लिक, हमारे हरियाणा में जो पब्लिक सारी परेशान हो रही है, हमारी मांग मान क्यों लेती। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, सेवा सुरक्षा लागू कर दीजिए, सेवन पे कमीशन लागू कर दीजिए, हम तो अभी तक जाने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में ही लगातार वो हड़तालें देखने को मिल रही है, ज्यादातर हरियाणा में ही देखी जा रही है जो हड़तालें हो रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हरियाणा में ज्यादातर हड़तालें यूं ही होती हैं क्योंकि हमारे जो सीएम बैठे हैं वो भ्रष्ट बैठे हैं, उन्होंने ये नहीं पता कि हड़तालें क्यों होती हैं। जब हड़तालें होती हैं तो उनकी मांगे मान लीजिए, कौन कहता है ये जो साइड के जो स्टेट हैं वो भी हम मानते हैं, इनको क्या होता है? ये झूठे वादे करते हैं, झूठे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे या कर देंगे, कुछ करने वाले नहीं है, सब ढकोसले हैं इनके। हमारी मांग मनवा दीजिए, हम आज ही उठ लेंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बोल चल रहे हैं, लिखित आदेश के बाद जो भी काम होगा वो हम शुरू करेंगे, इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। तो 24 घंटे का जो अल्टीमेटम सरकार ने दिया था उसके बावजूद कितने कर्मचारी यहाँ पर धरने पर मौजूद हैं और कितने कर्मचारियों ने काम जारी कर दिया अपना? कोई काम पर नहीं लौटा है, सब यही धरने पर बैठे हैं, सब अपनी जगह पर सब स्थित हैं, कोई समस्या नहीं है किसी चीज की भी, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अभी इतने कर्मचारी हैं इनके बारे में कुछ सोचना, सोच समझ कर अपना काम करना चाहिए। कर्मचारियों को अपने अपने काम पर लौट जाना चाहिए फिर, और सरकार इसके बारे में कुछ सोच समझ नहीं रही, तो इसका भी तो सरकार ने कुछ ना कुछ तो उठाना चाहिए। और कर्मचारी क्या करेंगे, इधर नहीं मानेगी, सब अपने यहीं बैठे रहेंगे, कोई नहीं उठेगा यहाँ से। सवाल था कि सरकार में कमी है या कर्मचारियों में कमी है, हरियाणा में ही लगातार क्यों हड़तालें की जा रही है, क्या कहेंगे? सरकार में कमी है और ये अधिकारी जो हमारे ऊपर बैठे हैं ये सरकार को गुमराह कर रहे हैं, ये ना तो मंत्री तक बात पूछने दे रहे हैं, ये कह रहे हैं काम हमारा अच्छा चल रहा है, यहाँ कोई काम नहीं चल रहा, एम्बुलेंस सेवा ठप है, कुछ पिछले महीने की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है इनके पास कोई भी। अगर अब की बार हरियाणा, अगर कहाँ इंडिया की जहाँ मीटिंग होती है इंडिया लेवल की, अगर हरियाणा वहाँ जाएगा तो हरियाणा की रिपोर्टिंग जीरो है, ये मेरी गारंटी है, मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का। ये अपनी तानाशाही चला रही है, 24 घंटे में ज्वाइन कर ले, हम कभी ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। सरकार ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है, हम सरकार को कोई टाइम नहीं दे रहे, हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, और लिखित में हमें आश्वासन चाहिए, ऐसे नहीं कि बोल दिया कि लागू हो जाएगा, कुछ लागू नहीं होता। पिछले 1.25 साल से हम इसी बात के लिए घूम रहे हैं, कभी लेटर दे रहे हैं कभी नोटिस, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस चीज़ के ऊपर। ये अधिकारी बार बार उनको गुमराह कर देते हैं, कभी MD मैडम कह देती है फाइल यहाँ रुकी हुई है, कभी CM के दफ्तर में रुक जाती है फाइल, हमारी फाइल क्यों रुक जाती है, पक्को ही नहीं रुकती। वो MPSW यूनियन करती है स्ट्राइक, उनकी 24 दिन में उनको 2400 से 4200 ग्रेड पे मिल जाता है, और NHM को 7वां वेतन लागू 2019 में भी नहीं मिल रहा, ऐसा क्या गलत कर दिया NHM ने? NHM के कर्मचारी नहीं, उनके बच्चे नहीं है, 9000 में वो गुजारा कर लेंगे अपना। NHM के अलावा वो धरने पर जब भी देखो किसानों का धरना है या अन्य और भी मुद्दों पर हड़तालें कर दी जाती है। ये सरकार ऐसी है जो किसान वो भी तंग है कि सभी वर्ग इससे तंग है, यानी किसानों को अपनी जो फसल बेचनी पड़ती है पहले ऑनलाइन करानी पड़ती है, 5 किलो सरसम के बोलिए पहले उनको ऑनलाइन कराओ, पता तो नहीं 5 किलो ही सरसम लग रही ना लग रही, कल ओड़े पड़ गए तो कित जाएगी सरसम वहाँ, पर वो तो लाग लिए 400 रुपये, पटवारी खा गया कि ऑनलाइन के लाग लिए, न्यू कर्मचारियाँ गल कर रखे इन्हें, कोई मांग नहीं माननी, बस झूठा गुमराह करना, सरकार तो बदतना पूछने देते अधिकारी मारी बीच में दाब दी उस बात ने। जैसे कि मैंने एक सवाल किया था कि हरियाणा में जो
ज्यादातर हड़तालें देखी जा रही हैं, हरियाणा में ही क्यों हड़तालें लगातार हो रही हैं? एनएचएम के कर्मचारी हो, किसानों से लेकर अन्य मुद्दों पर भी हड़ताल कर दी जाती है, तो क्या कमी है इन लोगों? हमने एनएचएम के कर्मचारियों से भी बातचीत की, ये सारा दोष जो है हरियाणा सरकार को ही मान रहे हैं कि हरियाणा सरकार जो है इनकी बातों को नहीं मानती, इनकी बातों को तो कोई भी महत्व नहीं देती। अगर इनकी बातों को महत्व दे दिया जाए तो हड़ताल करने की नौबत ही ना आई। वीडियो जर्नलिस्ट फोरम के साथ मैं संजना छाबड़ा, फॉर न्यूज़ हरियाणा।